पार्लियामेंट में जहां से प्रचार किया जाता है आज तफसीली बात हम पार्लियामेंट में करेंगे और सारे हकीकत बताएंगे। आईजी साहब आईजी डॉक्टर साहब का सेतु ये मुझे साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में शेर साहब को तशद्दुद हुआ है आपके ऊपर में? अभी बताते हैं आपको अपने बेटे को रात को इस्लामाबाद पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया है और तकरीबन सुबह 4 बजे हमें लॉकअप में डाला। किसके कहने पर किया? पीछे आ जाओ। डीआईजी ऑपरेशन के कहने पे हुआ है। पीछे आ जाओ। मरवा साहब आप लोग पीछे निकल जाए भाई। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी आप यहाँ पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, क्या कहेंगे आप? आज तफसीली बात हम पार्लियामेंट में करेंगे और सारे हकीकत बताएंगे। जुल्म है। आईजी साहब नहीं, अंदर अंदर ये धक्के बर्बरियत के हैं, फसदाइयत के हैं, जुल्म के हैं। ये साहब क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। आप जी आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम एम एन एस को शाह वैस इस वक्त हैं, शेख वकास हैं, मौलाना नसीम हैं, ये पार्लियामेंट के बरादर हैं जी, अवैस चक्कर हैं, ये देख सकते हैं अभी शेरफ साहब मरवत बाकी तमाम बाकी बंदे अफगान में बताएंगे इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चड्डा साहब, अदालत में ये मौकफ एहतियात दिया गया था कि आप पर तशद्दुद हुआ, इस वजह से मुझे जब गाड़ी में डाला गया था तो वहाँ पर एक रॉड निकला हुआ था, उससे चोट लगी, ठीक है, उससे चोट। पैगाम क्या देना चाहेंगे? ये जो नेका पोच हमें लेके जिस तरह नेका पोच मतलब असेंबली में क्यों दाखिल हो गए, किसके माँ पे दाखिल हो गए, स्पीकर साहब को हम बार बार को इतला करते, आमिर डोगे साहब उसको वो चाबी नहीं दे रहे थे हमें अपोजिशन के लीडर को। वो इधर ही आ रहे हैं। रास्ता